हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इंडिया के फेमस बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी विहार में से एक दिखाने जा रहा हूं, और वहां हम लोग खतरनाक घड़ियालों के बीच में बोटिंग भी करेंगे। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का किला देखने के बाद हम रंगनाथीटू बर्ड सेंचुरी की ओर चल दिए, जो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हरे भरे खेत कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और धान की फसल तैयार हो गई है, कटने के इंतजार में है। और अभी हम लोग खड़े हैं बर्ड सेंचुरी के गेट पे। कैसी फीलिंग हो रही है यहाँ पे बताओ? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे लग रहा है कि वहाँ जाऊँ, चक्के लगाऊँ। यहाँ पे गेट पे हम लोग को टिकट लेना पड़ा 70 रुपये इसके हिसाब से। और ये भीड़ है बोट में बैठने के लिए। यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है, उसकी बोट स्टार्ट हो गई है। सेफ्टी जैकेट हमने पहन लिया है, और सामने ही चिड़ियों का बहुत बड़ा झुंड बैठा हुआ है पेड़ों पे, और वहाँ सामने एक मगरमच्छ लेटा हुआ है। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल है, और यहाँ पे 2 क्रोकोडाइल हैं, करीब 3 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। और यहाँ पे तो ढेर सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। क्या हो गया? कौन है? मेरा जो प्रोग्राम था ये श्रीरंगपट्टनम घूमने का, हाँ, ये प्रोग्राम कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस हुआ तुम? यहाँ कोई एक छोटा सा सिटी है मैसूर से पहले, तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही होगा नॉर्मल सा, क्या टिपू सुल्तान, वो तो हर जगह है, बैंगलोर में भी है, इतना बड़ा सा फोर्ट, उसको क्या देखना है। तो मैंने ऐसे ही मतलब लाइटली ले लिया था। जब मैं यहाँ पे आके पहुँचा तो फिर रियली ये सिटी हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे हिस्ट्री टिपू सुल्तान का ले लो, या फिर एक जो मंदिर है जिसके अंदर गए थे हम लोग, विष्णु जी का मंदिर है, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, प्लस एक नेचर से भी रिलेटेड है। आप किसी भी कोने में देखोगे तो ग्रीनरी भरती है। बर्ड सेंचुरी गए, वहाँ पे ग्रीनरी के साथ बर्ड्स देखा हमने अलग अलग टाइप के, उसके बाद क्रोकोडाइल देखा, तो फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसको क्या। और सबसे अच्छा तो ये जेल वाला एक्सपीरियंस था, टीपू सुल्तान का जो जेल था, जेल करेक्ट, इसमें वो अंग्रेजों को बंद करता था, वो कितना बढ़िया था वो पानी, करेक्ट, हाँ, वो एक डिफरेंट चीज़ था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तो सबसे ज़्यादा सुना है काला पानी, जैसे कि एक आईलैंड में रख दो और बंद कर दो, ये बंदा तो हाथ पैर बांध के पानी छोड़ देता था। ओवरऑल तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। यहाँ पर मतलब कि नेचर भी है, हाँ करेक्ट, और हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और इतना सुंदर मंदिर भी है, ये इतना मैंने फेमस मंदिर है, right, रंगनाथ स्वामी मंदिर, करेक्ट, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इजी एसेसेबल है, हाँ, बेंगलोर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है ये, करेक्ट, हाँ, 135 किलोमीटर ही है बेंगलोर से, सस्ता भी है, और सस्ता भी है, हाँ, अब 75 रुपीज़ में बेंगलोर से आप ट्रेन से आ सकते हैं आराम। जो जो IT में वर्क करते हैं बेंगलोर में, करेक्ट, वो 5 दिन तो आप लोग अपना 5 दिन काफ़ी धुआं धूल ट्रैफिक हॉर्न इसी से ज़िंदगी कट जाती है। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ सुकून चाहिए, कुछ शांति चाहिए, माइंड पीस चाहिए, तो फिर ऐसी जगह पे आओ, एक दिन स्पेंड करो। हाँ, चैनल के साथ कनेक्ट होके रहिए। हाँ जी, और यार मेहनत बड़ी लग रही है, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस वीडियो देख रहे हो ना, नीचे वाले वो रेड कलर का कुछ सब्सक्राइब उसका लिखा रहता है, उस पे ना क्लिक कर दो, बस बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, बेल बटन भी दबाना है, नहीं बेल बटन भी दबा दो, उसमें क्या है, क्लिक ही तो करना है यार, बस बस क्लिक कर।